सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड बाई स्ट्रेंजर अपडेट के एपिसोड नंबर 77 में आप सभी का स्वागत है। जितना लोग बात करते हैं जो वीकली अपडेट निकल कर आती है मूवीज एंड सीरीज के, एंड बाई इस बार भी बहुत ज्यादा धमाकेदार अपडेट्स हाथ लगी हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे दिन भाई हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें अपडेट नंबर 1 की, तो निकल कर आ रही है स्पाइडरमैन 4 मूवी की तरफ से। अब देखो भाई पास में इसके ऊपर जो भी अपडेट्स आई मैंने आप लोग को वीडियो बनाकर बताई है, एंड रिसेंटली इसके ऊपर काफी तगड़ी अपडेट हाथ लगी है। उसके अकॉर्डिंग चले तो आप लोग को 12 जुलाई 2024 तक ये जो स्पाइडरमैन 4 मूवी है वो देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर आप लोग को टॉम हॉलैंड लीड रोल में देखने को मिलेंगे। एंड बताया जा रहा है कि भाई सोनी पिक्चर्स एंड मार्वल की तरफ से ये म्यूचुअल डिसीजन लिया गया है। अब ये जो अपडेट है वो कितनी ज्यादा ट्रू होती है तो हम लोग को भाई आगे चल के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के थ्रू पता ही चल जाएगा। बट इस अभी रिसेंट टाइम में काफी सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने ये चीज कंफर्म करी है, तो हम लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज पास्ट में ऐसी अपडेट्स डेडपूल के लिए भी आई थी, एंड आखिरी में डेडपूल की रिलीज हम लोग को पहले वही सुनने को मिली थी। हालांकि अभी डेडपूल के साथ ही कुछ मार्वल की अपकमिंग मूवीज की रिलीज को फिर से चेंज कर दिया गया है, एंड उसके अपडेट मैंने अपने चैनल के इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दिए, तो अगर आप लोगों ने चैनल के इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लेना, उधर आप लोगों को छोटी मोटी जो अपडेट्स होती हैं वो सबसे पहले मिल जाती हैं। बात करें अपडेट नंबर 2 की, तो निकल कर आ रही है ब्लैक एडम मूवी के एंड क्रेडिट सीन को लेकर। अब देखो मैंने आप लोगों को पिछले अपडेट में बताया था कि जो अपने हेनरी कैवल भैया हैं उनका रिटर्न ऑलमोस्ट कंफर्म है, बिकॉज अभी रिसेंट टाइम में अपने जो द रॉक भैया थे एंड हेनरी कैवल की एक फोटो साथ में हम लोग को देखने को मिली थी, एंड उसके बाद रूमर्स ऐसे आ रहे थे कि आप लोग को ब्लू सूट वाला जो सुपरमैन है वो ब्लैक एडम के एंड क्रेडिट सीन में भी देखने को मिलेगा। तो भाई वो जो रूमर आ रहे थे अभी रिसेंटली उसका एक लीक भी ऑनलाइन पब्लिश हो गया था, जिधर हम लोग को ये चीज कंफर्म हो जाती है कि हाँ आप लोग को ब्लैक एडम के एंडिंग में जो सुपरमैन है उसका हल्का सा कैमियो देखने को मिलेगा, जो कि सेटअप करेगा आगे चल के ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन मूवी को। अब उसमें एक्जैक्टली डायलॉग्स क्या थे वो सब मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूं, वरना वो आप लोग के लिए भारी स्पॉइलर हो जाएगा, तो उसके लिए आप लोग भाई ब्लैक एडम मूवी को देखना। बट यस, जितने भी फैंस लोग चाहते थे कि उन लोग को सुपरमैन का कैमियो या फिर भाई छोटा सा ही सीन ब्लैक एडम के एंडिंग में देखने को मिल जाए, तो आप लोग की वो जो विश है वो तो पूरी होने वाली है अगर जो लीक सामने निकल कर आई थी वो ट्रू होती है तो। बाकी इसके ऊपर आगे चल के और भी जो मेरे को कंफर्मेशन मिलेंगे मैं आप लोग को जरूर से इन्फॉर्म कर दूंगा, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लेना। सो बात करें अपडेट नंबर 3 की, तो निकल कर आ रही है कार्टून नेटवर्क चैनल को लेकर। अब देखो मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है कि कितनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है कार्टून नेटवर्क से, बेंडन से लेके काफी सारे बड़े बड़े शोज, इनफैक्ट आप लोग को जो नए नए एनिमेज भी देखने को मिलते थे सबसे पहले तो हम लोग को कार्टून नेटवर्क पर ही देखने को मिले थे, एंड काफी सारा भाई नॉस्टैल्जिक कनेक्शन इस लाइक कार्टून नेटवर्क से बना हुआ है। तो फैंस लोग को जब ये सुनने को मिला कि 30 साल के बाद ये जो कंपनी है वो बंद होने वाली है, तो आप लोग को ट्विटर के ऊपर काफी सारे लाइक ट्रेंड्स देखने को मिल गए होंगे, जहां पे लोगों ने अपनी अपनी फीलिंग्स को शेयर करना स्टार्ट कर दिया था। तो फाइनली इसका एक क्लैरिफिकेशन कार्टून नेटवर्क की तरफ से आ चुका है, जहां पे उन्होंने अपने फैंस लोग को ये चीज क्लियर करी कि भैया कार्टून नेटवर्क बंद नहीं होने वाला है, वो जस्ट अभी 30 को टर्न हुए हैं। इनफैक्ट आप लोग को अभी रिसेंटली एक जो मर्जर है वो देखने को मिला है कार्टून नेटवर्क एंड वार्नर ब्रोस का, जिसकी वजह से आप लोग को आगे चल के कंटेंट में थोड़ा लाइक चेंज जरूर देखने को मिलेगा, बट जो कंपनी है अभी की वैसी ही रहेगी, उसमें आप लोग को कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो जितने लोग ऐसा लग रहा था कि कार्टून नेटवर्क बंद होने वाला है तो भाई ऐसा कोई भी सीन नहीं है, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुकी है। सो बात करें अपडेट नंबर 4 की, तो निकल कर आ रही है द व्हील ऑफ टाइम के सीजन 2 को लेकर। अब देखो भाई नो डाउट द लॉर्ड ऑफ द रिंग द रिंग्स ऑफ पावर के बाद द व्हील ऑफ टाइम ही एक ऐसा शो है अमेज़न प्राइम का जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव शोज में चला जाता है, बिकॉज जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग है या फिर जो सेट्स आप लोग को देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा इपिक लेवल के हैं। दैट्स व्हाई फैंस लोग बेसब्री से इसके सीजन 2 का वेट भी कर रहे हैं, बिकॉज उनको जानना है कि एग्जैक्टली सीजन 2 में उनको देखने को क्या मिलेगा। तो आप लोग के लिए अच्छी खबर यह है कि सीजन 2 का जो लाइक शूटिंग का वर्क था वो तो कंप्लीट हो ही गया था, एंड बताया जा रहा है कि करंटली सीरीज अपने प्रोडक्शन फेज में है। हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अभी इसके सीजन 2 में लगने वाला है, बट रिसेंटली आप लोग के लिए अच्छी खबर है कि अमेज़न प्राइम ने इसके हल्के से जो ग्लिम्स हैं उनको वीडियो के थ्रू पोस्ट कर दिया, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो, आप लोग को अमेज़न प्राइम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि आप लोग को शो 2023 के अंदर देखने को मिल सकता है। अब उसको एक्जैक्टली किस टाइम तक अमेज़न प्राइम रिलीज करेगा वो सब मैं आप लोग को आने वाले वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगा। आप लोग बताना कितने लोग द व्हील ऑफ टाइम सीरीज के सीजन 2 का वेट कर रहे हो। सो बात करें अपडेट नंबर 5 की, तो निकल कर आ रही है द बॉयज ऑफ सीरीज के सीजन 3 को लेकर। बहुत टाइम से फैंस लोग जानना चाहते थे कि सीजन 3 में आप लोगों को कौन से नए कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, तो रिसेंटली 2 नए कैरेक्टर्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। पहले के नाम है फायर क्रैकर एंड दूसरी का नाम है सिस्टर सेज। अब इन दोनों कैरेक्टर के बारे में भी डिटेल्स तो ज्यादा रिवील नहीं करी गई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि आप लोग को इन फ्यूचर और भी कुछ नए कैरेक्टर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो सुनने को मिलेगी, एंड उसी के साथ ही उनका क्या रोल होने वाला है उसको भी आप लोग को बताया जाएगा। करंटली अभी भाई इसका जो सीजन 3 अपने लाइक फिल्मिंग फेज में चल रहा है, दैट्स व्हाई आप लोग को अभी बहुत सारी क्लिप्स तो देखने को नहीं मिलेंगी, बट यस इस साल के एंडिंग तक आप लोग को इस शो के सीजन 3 के ऊपर कुछ और भी नई कन्फर्मेशन सुनने को मिलने वाली है। तो उन सबकी कन्फर्मेशन जैसे मेरे को मिल जाएगी मैं आप लोग को इन फ्यूचर एक डिटेल में वीडियो बनाकर बता दूंगा विद रिलीज अपडेट। तब तक के लिए आप लोग बताओ अब से कितने लोग द बॉयज ऑफ सीरीज के सीजन 3 का वेट कर रहे हैं, आप लोग की क्या एक्सपेक्टेशन है इस सीरीज के सीजन 3 से। बाकी भाई अभी करंटली इस बाकी स्ट्रेंज अपडेट वाली वीडियो में बस इतना ही। अभी यही कुछ अपडेट्स हैं जो कि मेरे को मिली थी, बट और भी कुछ नई अपडेट्स हैं जिनकी कंफर्मेशन मेरे को मिल जाएगी, देन मैं आप लोग को अगले वीक तक उसको भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा देन वीडियो को लाइक कर देना, छोटी मोटी अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल के फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।